पूर्णिया में जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि रिंटू सिंह हत्याकांड मामले में मृतक की पत्नी से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फोन पर बातचीत की। इस दरमियान मृतक की पत्नी अनुलिका सिंह ने तेजस्वी यादव से साफ तौर पर मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी। साथ ही ये भी सवाल उठाया कि क्या सिर्फ सत्ता में बैठी पार्टी ही नेता रह सकते हैं, बाकी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। जो भी लड़ने की तैयारी करता है उसकी हत्या कर दी जाती है। पहले राजद नेता की हत्या हुई और फिर अब कांग्रेस के नेता रिंटू सिंह की हत्या हुई है। सुनिए नवनिर्वाचित जिला पार्षद सह मृतक की पत्नी अनुलिका सिंह ने तेजस्वी यादव से फोन पर क्या कुछ कहा। आप देख रहे हैं एसडीएन न्यूज़, मुद्दे की बात आपके साथ। बोलियो ना, बोलो ना। आपको बात हुआ कल, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे हम लोग। साक्षा बात जो आपको बताई थी, मरम्मत प्रेस से हम लोग बताए थे और घटना का हम लोग को पता चला था, तो हम लोग जांच का भी मांग किए हैं कि उसका जांच होना चाहिए। और इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखी होगी तो पूरी बात को जो है, जो आपने जो बता रही है सारी घटनाओं का जो है, हम लोगों ने यहाँ पटना में सभी मीडिया कर्मी के सामने एक एक पसंद रखे हैं। और बिहार विधानसभा चलेगा तो उसमें भी हम लोग जो है आवाज उठाएंगे, तो बोले हैं सरकार को। सर पहले हमको जो है ना सीबीआई जांच की जाए इस मुद्दे पे, आखिर क्या रीजन था जो ऐसा हुआ? आखिर ऐसा धमधा की विधानसभा में ही क्यों होता है? जब आपका जो आरजेडी का जो नेता था वो चले गए, कांग्रेस का जो नेता था वो चले गए, जिसकी सत्ता जिसकी सरकार उन्हीं का आदमी यहाँ पे सिर्फ रह सकता है, दूसरा कोई नहीं रह सकता है। मदन मदन मोहन झा जी से भी बात हुई, एफआईआर नहीं देना था तो मदन मोहन झा जी लगता। दूसरा रहने का अधिकार नहीं है, दूसरे को लड़ने का अधिकार नहीं है? सिर्फ लेसी सिंह को अधिकार है लड़ने का। कोई भी लड़ सकता हो, तो ऐसा वो क्यों करती है? आखिर सीबीआई जांच होनी चाहिए ना, हम किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो उनका खंडन होना चाहिए ना, बेबुनियाद तो आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। यही बात हम लोग कल कहे हैं तो कल लेसी सिंह कही है। वही तो, अगर वो दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है तो अपने कुर्सी को वो छोड़ दे और सीबीआई की जांच की मांग करवाए, क्योंकि पहला ये है कि हम उन्हीं के क्षेत्र से हैं, उन्हीं के घर से हैं, उनके परिवार भी हैं, ठीक ना? तो उनको बोलिए वो अपना कुर्सी तब तक के लिए छोड़ दे और सीबीआई की जांच की मांग वो खुद अपने से करे, क्योंकि सत्ता भी उनकी है, सरकार भी उनकी है। यही बात हम लोग कहे हैं। और एक बात, पुलिस प्रशासन एक भी बार आया हमको पूछने के लिए? प्रोटेक्शन मिला हमको? मेरे साथ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहाँ गया? प्रोटेक्शन नहीं दिया है, नहीं दिया है, प्रोटेक्शन नहीं दिया है हमको, किसी तरह से सहयोग नहीं मिल रहा है अभी। अच्छा, मतलब बात करते हैं, बात करते हैं। एसपी कॉल नहीं उठा रहे आज, और 48 घंटा का हम टाइम दे रहे हैं, नहीं तो जनता बहुत गर्म है, कुछ भी हो सकता है। आज 11 बजे 48 घंटा रात में हो जाएगा, उनके बाद क्या होगा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। इनको आप नहीं, कम से कम लेसी सिंह को अभी फिलहाल अगर वो कुछ नहीं किया और दूध का दूध और पानी का पानी करवाना चाह रही है, हनुमान पे झूठा आरोप अगर लगा रहे हैं तो वो खंडन करे, ठीक, खंडन करे और सीबीआई की जांच वो खुद अपने से मांग करे कि इस केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है धमधा विधानसभा में, जिसकी सरकार है जिसकी सत्ता है वही चल रहा है, दूसरा कोई खड़ा होना चाह रहा है उनका, उनको मार दिया जा रहा है, आखिर क्या कारण है? सही बात, क्या कारण क्या है?
ठीक है सर, दादी से ले बोले नाम तो सिखवाते हैं बात। ठीक है सर, ठीक है। आज की पूरी आप देखिए करिए जी जी जी। उसके बाद का बयान देखे हैं आप? जी देखे हैं सर। मैडम देखी हैं? नहीं मैडम नहीं देखी। और देखे हैं? देखी हैं, देखी हैं, देखी हैं। नहीं नहीं इनका भी सर वही कहना है, अगर वो निर्दोष है तो हम उनका तो परिवार है, लोग रिश्तेदार ही है ना, तो वो स्वयं सीबीआई की मांग करके पद से हटे और सीबीआई की मांग करके इसका फैसला करा दे जी। कल वही कल हम लोग कर रहे हैं, वो 48 घंटे का समय दिया हुआ था ना, इसीलिए रुके हुए हैं हम लोग, परसों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।